और बात मुंगेली की होगी, जहां पर 1 दिसंबर से शुरू की गई धान खरीदी का काम 8 महीने बाद भी पूरा नहीं हो सका है, जिसकी वजह से दर्जन भर केंद्रों से अभी तक धान का उठान नहीं हो सका है। वहीं इस बीच बारिश की वजह से जो धान है वो खराब हो गया है, करोड़ों का धान बारिश से भीग गया है। वहीं एक तरफ जिला प्रशासन धान शॉर्टेज की भरपाई के लिए समिति कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ रहा है, तो वहीं समिति कर्मचारियों का कहना है कि समय पर धान का उठाव नहीं होने के चलते डीएमओ और परिवहनकर्ता इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि समय पर धान का उठाव हो जाता है तो स्थिति ये ऐसी नहीं बनती। वहीं इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। जब इस बारे में कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने उल्टा मीडिया से ही बहस वो करने लगे। यह भी बताया जा रहा हूं कंटिन्यू कि जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में सारा चीज लिखा हुआ है कि अगर 72 घंटे के अंदर धान का उठाव नहीं होता है तो अगले पाइप में लिखा हुआ है तो उसको हम अपने संसाधन से उठाएंगे धान उठाने में। तो मेरा भी कहना यह था, मेरा व्यक्तिगत कलेक्टर साहब को मैं सुझाव भी दिया कि इसमें ट्रांसपोर्टरों को भी नोटिस जारी होना चाहिए और उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं इसमें समिति सेवकों पर कार्रवाई की जा रही है, छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि इसमें डीएमओ और उच्च अधिकारी की मिलीभगत है, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें बचाया जा रहा है। हमारे कर्मचारी लोग अनवरत रूप से मेहनत करके धान खरीदे का कार्य संपन्न कराए हैं और उसके बावजूद भी आज शासन प्रशासन की जो परिवहन व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण परिवहन नहीं कराया गया है। आज 3-3, 4-4, 5-5 गुना बफर स्टॉक रहा हमारे समिति में। रोहित कश्यप हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए मुंगेली से ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। 8 महीने से धान खरीदी रोहित नहीं हुई है और 72 घंटे के अंदर हालांकि धान को उठाना होता है, लेकिन बावजूद इसके 8 महीने ऐसे गुजर चुके हैं और नतीजतन करोड़ों रुपए का धान बारिश में सूख गीला हो गया, भीग गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, देखिए बता दूं कि यहाँ धान खरीदी मामले में करीब 68,000 क्विंटल जो कि 17 करोड़ रुपए का धान बताया जा रहा है, 54 केंद्रों में धान खराब हुआ है, बारिश में भीगने और समय पर धान का उठाव नहीं होने की वजह से स्थिति निर्मित हुई है। और बताना चाहूंगा कि पहली बार जिले में इस तरीके की स्थिति निर्मित हुई है कि 8 महीना हो गया धान खरीदी जो शुरू हुई थी और 8 महीने बाद भी ये काम पूरा नहीं हो पाया है। और भरपाई के लिए अब प्रशासन के द्वारा जहां समिति कर्मचारियों पर दबाव डाले जाने की बात सामने आ रही है और भरपाई नहीं करने वाले आधा दर्जन से अधिक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, कई कर्मचारियों पर FIR भी दर्ज कर लिया गया है। कर्मचारी संघ का भी साफ तौर पर कहना है, कब से धान ऐसे यहाँ पर पड़ा हुआ था? ये जब से धान खरीदी शुरू हुई है तब से लेकर के आज तक काफी दिनों से धान पड़ा हुआ था और यदि समय पर 72 घंटे के भीतर में धान उठाव कराने की बात कही जाती है, लेकिन देख सकते हैं कि सागर सिंह बैस जिला अध्यक्ष कांग्रेस मुंगेली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सागर जी, लंबे समय से धान रखा हुआ था खरीदी केंद्रों के बाहर, हालांकि 8 महीने बीत चुके हैं साहब, अब तक खरीदी नहीं हुई है, कौन इसका जिम्मेदार है? अब जो करोड़ों का धान भीग गया कौन जिम्मेदारी लेगा? खरीदी हो गई है, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया है जी, और अभी ऑलमोस्ट हो गया, अभी कुछ ऐसी सोसाइटियां बची है जहाँ रुका हुआ है। देखिए इसमें इस साल की परिस्थिति भी थोड़ी अपवाद वाली परिस्थिति थी। इस बार देखिए जनवरी से लेकर अभी तक जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 22 बार वर्षा हुई है इस मौसम में, है ना, जिस समय धान खरीदी के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें महत्वपूर्ण जहाँ तक ये मेरे व्यक्तिगत राय है, इसमें जो है ट्रांसपोर्टर की भी कहीं ना कहीं कमजोरी रही है कि धान उठाने में असफल रहा है ना, और दूसरा मौसम की मार रही है, और उसके बाद फिर लॉकडाउन वाली कोविड 19 की वजह से भी काफी हम लोग इन पर क्या था सुविधा की प्रकृति भी हमारा साथ नहीं दी, कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसपोर्टरों की भी, लेकिन जो समिति कर्मचारी है उनकी भी लापरवाही तो है ना सर, उन्हें तो हटाना चाहिए। जी, नहीं, इस बात के है इस पे तो जो है इसमें कई मामले भी ऐसे सामने आ रहे हैं कि जो है वहाँ गलत तरीके से जो है कागजों में धान खरीदी हुई है, मौके पे धान नहीं मिल रहा है, ऐसी भी शिकायत आई है, तो उस दिशा में भी कलेक्टर साहब जो है काम कर रहे हैं और अभी सबको नोटिस दिया गया है। बने रही हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ रश्मि गुप्ता नोडल अधिकारी हैं धान खरीदी की, फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रश्मि जी बहुत स्वागत है आपका, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी
आपको मेरी आवाज आ रही है रश्मि जी? जी आ रही आ रही, बोलिए। 8 महीने से धान खरीदी नहीं हुई ऐसा किसानों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और उनका धान बारिश में रखा रखा भीग जाता है। करोड़ों का मैडम ये धान है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जवाबदेह है जिन किसानों का ये धान भीग गया, इसमें क्या कार्रवाई करेंगे अब आप? जी देखिए, ये जो धान का उठाव नहीं हो पाया है ये मार्केट की वजह से नहीं हुआ है। धान खरीदी सिर्फ बैंक का काम या समिति का काम नहीं है, इसमें 3-4 विभाग मिलकर धान खरीदी करते हैं। तो इस वजह से बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुपरविजन का काम करते हैं। उठाव के लिए मार्केट जिम्मेदार होता है और मार्केट द्वारा समय पे उठाव नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज काफी धान नुकसान हुआ है। मतलब आप किसको जिम्मेदार मान रही हैं? मार्केट को? मार्केट को आप जिम्मेदार मान रही हैं? जी जी, लगातार हमारे द्वारा पत्र दिया गया है, उनको सूचित किया गया है और समितियों में जो धान है या इनके द्वारा जो कहा जाता है कि इनको ये सुरक्षा व्यय देते हैं, धान की सुरक्षा के लिए सुरक्षा राशि दी जाती है, वो इतना पैसा नहीं होता है कि यहाँ 30,000-40,000 क्विंटल धान को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया रश्मि जी जानकारी साझा करने के लिए। विमल दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला खाद्य अधिकारी। दुबे साहब सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार जी 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 जी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कोई किसी पर पल्ला झाड़ रहा है अपनी लापरवाही का, कोई किसी पर पल्ला झाड़ रहा है। जी। आप बताइए, करोड़ों का ये धान था, लंबे समय से रखा था, 8 महीने से खरीदी नहीं हो पा रही थी ऐसा आरोप लगाया जा रहा है लगातार, लेकिन जो समिति संचालक के समिति कर्मचारी है उनकी भी लापरवाही इसमें सामने आ रही है, मारपीट का भी जिक्र किया जा रहा है, कौन जिम्मेदार है और क्या कार्रवाई आप करेंगे? इसके लिए कलेक्टर महोदय के निर्देश पर, यह शासन का निर्देश है जो शासन से रूल जारी किए गए हैं, उसके आधार पर कलेक्टर महोदय के निर्देश पे एक दल का गठन किया गया है तहसीलदार की अध्यक्षता में। एक 6 सदस्यीय दल है और वो दल जो है वो जांच कर रहा है और जांच करने के उपरांत जो भी फाइंडिंग्स आ रहे हैं उसके आधार पर जो है वो आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसमें जी चलिए, शुक्रिया दुबे साहब जानकारी के लिए।